वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। आज हम थर्ड पार्ट कीवे वाइस का क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल कट्स लगे हुए हैं। इस पार्ट में देखिए कुछ मल्टीपल फीचर्स हम यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। इसमें थ्रेड भी आएंगे, होल भी आएंगे, रिब्स भी होगी। तो किस तरह से कैसे बनेगा ये आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट प्लेन चूज करेंगे। इसमें एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना है हमें। डायमेंशन इसके डिफाइन करेंगे 70 mm हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 55 mm। सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है मिड प्लेन, और इसकी लेंथ रहेगी 125 mm। टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, यहाँ पे हम एक स्केच क्रिएट करेंगे। लाइन टूल एक्टिवेट करना है हमें। यहाँ पे इस तरह से हम दो स्केच बनाएंगे। इसके डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं 20 mm, 28.5 mm, और इसकी हाइट रहेगी जो प्रीवियस हमने पार्ट क्रिएट किया था वही इसकी भी हाइट रहेगी 17.8 mm। तो इस तरह से देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट को सिंपली थ्रू ऑल देखिए इस तरह से ये स्लाइड क्रिएट हो चुकी है पीछे वाला भाग। इसमें फिर से टॉप फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ भी एक स्केच क्रिएट करेंगे हम। इस लाइन की हाइट रहेगी 37 mm। सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करना है और होल्ड कंट्रोल की करने के बाद इस दोनों को इक्वल कर देना है। इस लाइन को मिला देना है इसके साथ और एक सेंट्रल लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम इस तरह से। लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करके इस तरह से सिलेक्ट कर देना है तीनों लाइन को और सिमेट्रिक अप्लाई कर देना है। फिर थ्री पॉइंट आर्क इस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे। इसकी रेडियस रहेगी 95 mm।
और इन दोनों का गैप रहेगा 115 mm. तो इस तरह से हमारा ये भी स्केच फुली डिफाइन हो गया है। फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन इसकी डीप रहेगी 8 mm। और ओके करना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ भी एक स्केच क्रिएट करेंगे हम। सिंपली यहाँ पे हम कॉर्नर रेक्टेंगल इस तरह से इसकी हाइट है 35 mm। और हॉरिजॉन्टल विड्थ है इसकी 110 mm। सिंपली इस लाइन को मेक रिलेशन को इंसिडेंट अप्लाई कर देना। और इस तरह से देखिए हमारा ये स्केच भी फुली डिफाइन हो गया है। तो इसको भी हम एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। इसका भी और ये कट लगाना है हमें 32 की डीप में कट लगाना है इसको। राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। डायमेंशन इसके अप्लाई करेंगे हम 32 mm। सॉरी 32 हमें इस फेस से इस लाइन से इस लाइन तक 32 mm अप्लाई करना है। और यहाँ से इसकी हाइट है 18 mm। इसको भी कट लगाएंगे। एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है हमें। और यहाँ पे करेंगे मिड प्लेन, तो दोनों कोने इसके दोनों जो कॉर्नर है वो इस तरह से कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमें रिब क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम इसको पहले इस तरह से इस व्यू में हम सेट करेंगे राइट प्लेन स्केच। इस लाइन को हमें कन्वर्ट एंटिटी और इसे भी कन्वर्ट एंटिटी। कन्वर्ट एंटिटी ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम एंड कट दिस लाइन। इसके डायमेंशन हम देख लेते हैं। सिंपली इस लाइन के पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को इसके डायमेंशन हमें अप्लाई कर देते हैं
22.15 mm, और इसकी हाइट रहेगी 18 mm. यहाँ से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना है, फीचर में जाना है और रिब फीचर को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरो की ऊपर की साइड में है, तो ऊपर की साइड में हमें रिब अप्लाई नहीं करनी है, इसको सिंपली यहाँ पे रिवर्स में करना है, सॉरी फ्लिप मटेरियल नीचे की साइड में करना है। और इसकी विड्थ रहेगी 8 mm, 8 mm इसकी विड्थ रहेगी रिब की, और सिंपली ओके कर देना है। देखिए इस तरह से हमारी रिब क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे हम फिलेट में जाएंगे, फिलेट में जाने के बाद 5 mm फिलेट अप्लाई करनी है हमें। सबसे पहले इस कॉर्नर में हमें अप्लाई करनी है, फिर दूसरा ये, थर्ड वाला ये, और फोर्थ, और ओके करना है। फेस को सिलेक्ट करना है और फिर से एक कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे इस लाइन से, इस लाइन की विड्थ रहेगी 8 mm, और इसकी हाइट रहेगी 7.5 mm। फीचर एक्सट्रूड कट, ब्लाइंड कंडीशन, थ्रू ऑल। टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और एडिट स्केच, यहाँ पे एक सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका डायमीटर रहेगा 28 mm, और इस लाइन से सेंटर पॉइंट, इसकी हाइट रहेगी 10.5 mm। पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की होल्ड करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन वर्टिकल। ओके, फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। सबसे पहले हम सिलेक्ट अप टू सरफेस, तो अप टू सरफेस इस फेस को सिलेक्ट करना है, और सेकंड डायरेक्शन हमें सिलेक्ट करना है ब्लाइंड कंडीशन, यहां पे ब्लाइंड कंडीशन हमें देनी है 30 mm, और ओके करना है। फेस, इस फेस को सिलेक्ट करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है आपको और होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ होल को सिलेक्ट करना है, अनसीमेट्रिक, और यहाँ पे टैप ड्रिल सिलेक्ट करना है। टैप ड्रिल में हमें 16x2 mm थ्रेड्स ड्रिल सिलेक्ट करना है, 16x2, एंड अप टू नेक्स्ट पोजीशन, तो देखिए अप टू नेक्स्ट में यहाँ पे ये होल थ्रू ऑल हो गया है। फिर से होल विजार्ड में ड्रॉप डाउन में जाने के बाद यहाँ पे थ्रेड फीचर है, इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ
एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखिए लोकेशन पूछ रहा है आपको, तो हमें इस होल की इस होल की इस एज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है। अब अप टू सिलेक्शन, तो अप टू सिलेक्शन हमें यहाँ तक ये थ्रेड चाहिए, तो इस फेस को सिलेक्ट करना है हमें। इस तरह से अब यहाँ पे मैट्रिक टेप हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 16x2mm थ्रेड अप्लाई किए हुए हैं। हमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जब भी हम अंदर के आटे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक टेप या इंच टेप आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर इंच डाई या मैट्रिक डाई आपने सिलेक्ट की तो यहाँ पे ये थ्रेड अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि डाई हमेशा ऊपर की साइड में डायमीटर के ऊपर आटे करने के लिए सिलेक्ट की जाती है, और टैप ड्रिल इनर आटे के लिए होता है, ये आप खास ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड थ्रेड, इस वाले पार्ट में हमें राइट हैंड साइड थ्रेड अप्लाई करने हैं, जो सेम टू सेम दूसरा जो होगा ऐसा उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड अप्लाई करने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि हमारे थ्रेड ऊपर की साइड में अच्छी तरह से क्रिएट हो जाए, और सिंपली ओके कर देना है। फिलेट अप्लाई करनी है हमें, यहाँ पे हम फिलेट अप्लाई करेंगे 3mm। और ओके करना है। चैम्फर यहाँ पे 1mm 1/45 degree इस फेस पे सिलेक्ट करना है और ओके करना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है और फिर से होल विज़र्ड में जाना है हमें। होल विज़र्ड में जाने के बाद इस होल को सिलेक्ट करना है, और सिंपली हमें एनसी मैट्रिक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रिल साइज, क्योंकि यहाँ पे सिंपल होल है तो ड्रिल साइज करनी है। यहाँ पे हम ड्रिल साइज 8.5 को सिलेक्ट करेंगे, एंड अप टू नेक्स्ट पोजीशन। सिंपली राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके या एस्केप करके यहां से बाहर निकलेंगे, और यहां पे हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे इसके। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस है 60mm, और यहाँ से इसकी गैप है 20mm। अभी हमारा अंडर डिफाइन है, वो इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट को और होल कंट्रोल की दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल, ओके। और यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है इस तरह से, और इस होल को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और सिमेट्रिक कर देना है। और देखिए इस तरह से हमारा फुली डिफाइन स्केच हो गया है। इस तरह से यहाँ पे होल भी अप्लाई कर दिए हमने। फिलेट अप्लाई करेंगे फिर से, तो यहाँ पे फिलेट की साइज रहेगी 15mm इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। फिर से फिलेट
इस पार्ट में मल्टीपल फिलेट भी हमने क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे 2 mm हम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। ओके, और यहाँ पे हम एक चैम्फर लगा देंगे, 1 mm चैम्फर ऑलरेडी सिलेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये थर्ड वाला पार्ट भी हमने क्रिएट कर दिया है। इसका भी अपीयरेंस हम अप्लाई करेंगे। अपीयरेंस में जाके मेटल को सिलेक्ट करना है। मेटल में जाने के बाद यहाँ पे आयरन है, आयरन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कास्ट आयरन हमें सिलेक्ट करना है। इसका भी कलर हम अप्लाई कर देते हैं। ग्रीन कलर और ओके। फेस को सिलेक्ट करना है, ड्रिल थ्रेड फिर होल, इस फेस को सिलेक्ट करना है। स्टील में जाना है, सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसको सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी क्रिएट तैयार हो गया है। तो हम सिंपली इसे सेव कर देते हैं। पार्ट 03 एंड सेव। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।